प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा है और महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री महाराष्ट्र को करोड़ों की सौगात देंगे। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात देंगे, कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन भी करेंगे और एक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरेगांव में उस सभा को संबोधित करेंगे। हम आपको बता दें कि बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र को देने वाले हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान आज करोड़ों की सौगात महाराष्ट्र को देंगे। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण भूमि पूजन भी करेंगे। पीएम मोदी गोरेगांव में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। तो विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद पश्चिमी उपनगर के नेस्को सेंटर गोरेगांव में एक सभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो आज महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करोड़ों की सौगात देंगे। पहले नेस्को प्रदर्शनी केंद्र पहुंचेंगे पीएम मोदी और वहां परिवहन कनेक्टिविटी परियोजना की शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही रेलवे, सड़क, पोर्ट संबंधित योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। 29,000 करोड़ से ज़्यादा की कीमत की ये परियोजनाएं हैं। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में INS टावर का उद्घाटन करेंगे अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। 16,600 करोड़ की कीमत से ये सुरंग बनेगी। सुरंग के बनने से 1 घंटे का वक्त बचेगा। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। 6,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की कीमत है और इसमें लागत आएगी। गोरेगांव में वेस्टर्न हाईवे को मुलुंड में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। लिंक रोड बनने से 1.5 घंटे का सफर 25 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग परियोजना का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की भी पीएम नरेंद्र मोदी शुरुआत करेंगे। 5,600 करोड़ की मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज अगर महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें, तो काफी अहम दिन वहां के लोगों के लिए, उस प्रदेश के लिए करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री आज देने वाले हैं। अभिषेक, क्या कार्यक्रम है पीएम का, कब आएंगे? बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5 बजे वो पहुंचेंगे मुंबई और 5:30 बजे नेस्को में कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे, जो मुंबई के ट्रैफिक को कम करने वाला 2 प्रमुख टनल है। एक बोरीवली से थाने को जोड़ने वाला टनल जो अंदर से होते हुए जाएगा, दूसरा गोरेगांव से लेकर मुलुंड के भीतर जो दूसरा टनल बनने जा रहा है उसका भी आज भूमि पूजन करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रोजेक्ट है। साथ ही जो प्रधानमंत्री और रेलवे के 2 प्रमुख जो सेंट्रल लाइन की स्टेशन हैं, कोटला टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, उस टर्मिनस पर भी नए प्लेटफॉर्म का भूमि पूजन उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जो प्रमुख तौर पर वो कार्गो टर्मिनल को मल्टी मॉडल के तौर पर उसका भी शिलान्यास करेंगे। उसके बाद शाम को 7:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS की नई बिल्डिंग का उद्घाटन BKC बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में करने के लिए पहुंचेंगे। एक प्रमुख तौर पर एक बड़ा इसे प्रोजेक्ट माना जा रहा है। 29,000 करोड़ के आसपास की सौगात प्रधानमंत्री आज मुंबई करों को देने जा रहे हैं। आज सभा को भी संबोधित करेंगे इसके बाद प्रधानमंत्री? बिल्कुल, गोरेगांव नेस्को में ही इस पूरे उद्घाटन और भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, क्योंकि पीएम को पता है कि 2 महीने बाद महाराष्ट्र में चुनाव है और महाराष्ट्र कितना महत्वपूर्ण रखता है सेंटर के लिए, ये भी उन्हें पता है, क्योंकि उस
प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं लोकसभा के लिए, और विधानसभा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई पर जिसका कब्जा होगा वही पूरा देश चला सकता है। इसलिए पीएम का स्पेशल अटेंशन यहाँ पर होगा, इसलिए कार्यकर्ताओं और मुंबई करों को एक जनसभा के जरिए संबोधित भी करेंगे। अभिषेक, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, कल शादी हुई अनंत अंबानी की और राधिका मर्चेंट की, आज से कार्यक्रम शुरू है शुभ आशीर्वाद का, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां भी जाने का कुछ कार्यक्रम है, इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है आपके सूत्रों के जरिए? देखिए, अभी तक प्रधानमंत्री के शेड्यूल कार्यक्रम में इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि बीकेसी में ही कार्यक्रम है और बीकेसी में ही अनंत का जो दूसरे कार्यक्रम है वो सारे प्लान है जियो सेंटर में, तो और वहां से प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे 7:30 बजे इंडियन सिविल सोसाइटी में, उसकी दूरी महज 5 मिनट की है जी। तो ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री वहां जा सकते हैं क्योंकि शाम को 4 बजे के बाद से बीकेसी के सारे रूट को बंद कर दिया गया है और वहां से सिर्फ वीवीआईपी एंट्री और वीवीआईपी कनेक्टिविटी को प्रवेश है क्योंकि कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, पूर्व प्राइम मिनिस्टर आए हैं कई देशों के, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री आए हुए, इसलिए वो पूरा का पूरा कॉर्डन किया हुआ है रास्ते को, इसलिए पीएम वहां जा सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा और मुंबई में करोड़ों की सौगात आज महाराष्ट्र के लोगों को देंगे।